स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ अपने एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और होप सो आई एम विजिबल टू एवरीवन। नमस्कार, क्या मैं विजिबल हूँ आप सभी को, एक बार ही बताइए। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, रेगुलर सेशन होता है 7 बजे, इवन संडे को भी हम इस सेशन को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको 2000 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। तो आप ये अब जैसे आप पहली बार आए हैं तो इस क्लास को 20 दिन लगातार देखिएगा, सो डेट कि आपको क्या है बेनिफिट। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, मैं नए नए क्वेश्चन अपडेट करता हूँ इसी क्लास में, सबसे ज्यादा यूट्यूब के सेशन में, एक ही यूट्यूब सेशन है, 7 PM पर वाईफाई स्टडी में जरूर जुड़ी। ठीक है, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है समय निकाल के इंडियन पॉलिटी सर्च करिए। अगर आपके पास अच्छा समय है तो आप इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करिए। पूरा कंटेंट थ्योरी है, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया, बस आपको 2 वर्ड सर्च करने हैं यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी और आपको ये कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 10 PM की क्लास का लिंक देता हूँ। होप आपने आज अनअकैडमी कॉम्पैक्ट ज्वाइन किया। ठीक है, अगर नहीं किया तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन अगेन। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड संडे को आप दोबारा यूज कर सकते हो और अच्छा स्कॉलरशिप ले सकते हो फ्री टेस्ट सीरीज, इससे पहले प्रैक्टिस करते रहिए। मैक्सिमम शेयर करिए सेशन को और अपने बैचेस लाइव। ठीक, बैचेस इसलिए लाइव होते हैं कि जैसे आप अभी इधर पढ़ रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड सोर्स। लेकिन अगर आप एक टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक SSC की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो 19 मई का बैच आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, SSC के मई का सब्सक्रिप्शन ऑफर भी अवेलेबल है इस समय, सब कुछ आपको एक ही रेफर कोड पे मिल सकता है और वो रेफर कोड क्या है, लाइव अमन रेफर कोड। ठीक है, सारे अनअकैडमी के ऑफर आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस SSC गोल सिलेक्ट करना है, इसमें क्लिक करना है, हैव अ रेफर कोड में लगाना लाइव अमन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है आज के और भी। ठीक, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा, पार्टिसिपेट करना, शेयर करना। आपको पता है मैं डेली बेसिस पे 1 घंटा की क्लास लेता हूं। ठीक है, वाईफाई स्टडी चैनल पर। ठीक है, आप इस सीरीज से बहुत कुछ सीख सकते हो, 25 out of 25 स्कोर मार सकते हो इस सीरीज से, अश्योरिटी से। ठीक है, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यार, ब्लोटिंग पेपर में जो इंक एब्जॉर्ब होती है वो किस पे बेस्ड। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, जब कुछ भी एब्जॉर्ब होता वो कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड होता है, चाहे वो आपका पेन का इंक क्यों ना हो, चाहे वो ब्लोटिंग पेपर में इंक क्यों ना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती हो या फिर व्हाटसो एवर कॉटन का कुछ भी बना हो उसमें एब्जॉर्प्शन हो, सब कुछ कैपिलरी एक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये अभी देखो यार, ये ना सीधा एल्यूमिनियम का दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं है, बाद में कराता हूँ। ठीक है, सही करा के इसे, है ना, सिंपल सा है, आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस माइनस करने की देर थी। ठीक है, लेकिन स्किप मारते हैं अभी। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, सिर्फ माइनस करने की देर है, ये एल्यूमिनियम इस तरीके से लिखा हो बेटा। ठीक है, और इससे ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, तो बस 27 में से 13 घटा के आंसर आ जाता है 14। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक, कुछ भी नहीं है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक और उठाते हैं। ठीक है, 27 में से बस 13 घटाया है। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लाइट ईयर यूनिट किसका है। ये आसान क्वेश्चन है, बताइए लाइट ईयर किसका यूनिट है, जल्दी से बताइए, शेयर करो मैक्सिमम यार, है ना, जल्दी से शेयर करो, रेगुलर आते हो शेयर करिया करो साथ के साथ। ठीक है, आंसर लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। जैसे हम कहते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस यूनिट, पार्सेक जो है एक डिस्टेंस का यूनिट है, ऐसे ही प्रकाश वर्ष लाइट ईयर भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। किसका यूनिट है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन हो मुश्किल हो बस पेपर में आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये रबड़ बनाने की जो प्रक्रिया है ना, सबसे महत्वपूर्ण में से एक। ठीक है, बताइए विच मेथड इज यूज्ड टू वल्कनाइज द नेचुरल रबड़। देखो यार, नेचुरल रबड़ को क्या बनाने के लिए, आइसोप्रीन को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरल रबड़ होती है आइसोप्रीन होती है नेचुरल रबड़, इसको ना सिंथेटिक बनाने के लिए, यानी कि नियोप्रीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से सिंथेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, हम इसे ना हीट करते हैं, ये पूरी प्रोसेस वल्कनाइजेशन है, हीटिंग विद द सल्फर इसका आंसर। ठीक है, हीट करने का काम होता है, सल्फर के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए
हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विल्टिंग इन द प्लांट अकर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो विल्टिंग होता है जब ना प्लांट को पानी ना मिले, क्या ना मिले, प्लांट को पानी ना मिले, ठीक है, विल्टिंग तब होती है, सूख जाता है पेड़ पूरा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जो पौधा है सूख जाता है पूरा या फिर पानी ना मिले, तो वो प्रोसेस कौन सी होगी बताइए, किसकी वजह से होता होगा विल्टिंग, किस वजह से होता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करें, विल्टिंग आपके हिसाब से किस वजह से होता होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखो एक सरल सा सवाल लिखा हुआ है, विल्टिंग किसकी वजह से, मैंने कहा कि पानी की कमी होती है, और पानी का सोर्स क्या है, जाइलम है, जाइलम किसका सोर्स है, पानी का सोर्स है ना, वाटर का सोर्स, पानी का सोर्स, प्लांट में जाइलम टिश्यू होता है जो कि पानी का सोर्स है, ठीक है, जब ये पानी का सोर्स है तो आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है, इसी में ब्लॉकेज होता होगा तभी तो विल्टिंग होती है, ठीक है, तभी तो पानी की कमी होती है, ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, ब्लॉकेज ऑफ जाइलम, ये जो टिश्यू है ये ब्लॉक हो जाता है, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑन जुलाई डैश मैन वॉक्ड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, चांद पर, ठीक है, दिमाग में रखने वाले जो, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, अच्छा, जो फर्स्ट मैन जो चांद पर वॉक किए थे वो कौन सी तारीख को वॉक किए थे, जुलाई की कौन सी तारीख को वॉक किए थे, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी तारीख को वॉक किए थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जैक्टली डेट पूछ रहा है, ठीक है, आंसर क्या है, 20 जुलाई एग्जैक्ट आंसर है, 20 जुलाई पर, ठीक है, फर्स्ट मैन वॉक ऑन द मून, ठीक है, 20 जुलाई है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, जैसे आपसे ना इवन ये भी कभी कभी पूछ लेता है, राकेश शर्मा इंडिया के पहले थे जो स्पेस पे गए थे, कभी कभी ये भी सवाल आता है कि राकेश शर्मा कौन से नंबर पे थे जो स्पेस में गए थे, नंबर पूछा जाता है कि किस नंबर पे थे जो स्पेस में गए थे, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, 7 पीएम पे रेगुलर पढ़ो, बताओ कॉटन फाइबर आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, कॉटन फाइबर प्लांट के कौन से भाग में होता है, सीड्स में होता है, ठीक, किसमें होता है, बीज में होता है, कॉटन फाइबर जो है ना प्लांट के किस भाग में होता है, बीज में होता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी, इसमें से किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक, अगर आपने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ा हो, ईएमटी वेव्स के बारे में पढ़ा हो, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, देखो अगर मैं बात करूं ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसमें से किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ईएमटी स्पेक्ट्रम जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग का जो बैंड होता है ना उसके हिसाब से आंसर आता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जल्दी से बताइएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कमेंट करिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, गामा रेस आंसर बता रहे सारे के सारे, गामा रेस आंसर बता रहे सारे के सारे, आंसर क्या होगा, देखो मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझा देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ना उसमें जो गामा रेस होती है ना इन सभी में से, इन चारों में से सबसे ऊपर होती है, उन चारों में से ना सबसे ऊपर होती है गामा रेस, और याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी है ना जो आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है, नीचे जाते जाते घट जाती है, और ये जितने भी है ना नीचे की है, ये तीनों के तीनों नीचे के, इसमें नीचे वालों की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और गामा रे ऊपर होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जो ऊपर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जो नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये तीनों नीचे हैं इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, गामा रेस इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलिए आंसर क्या, बेटा क्वेश्चन में आपको ना रेप्लिकेट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपके लिए इसमें कल से एक स्टैटिक जीके का कंटेंट और लेके आऊंगा जिसमें मैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, ठीक है, कल से ये 100 का 120 या 130 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जो मैं नया स्टैटिक जीके का कंटेंट बनाया वो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, धीरे धीरे कंटेंट ऐड होता है, ठीक है, आंसर क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था, इन्होंने जब ये सारनाथ में सरमन दिया था इन्होंने ये उपदेश 5 कितने 5 डिसिपल को दिया था, कितने शिष्य थे इनके 5 डिसिपल होते उनको इन्होंने ये 5 शिष्यों को इन्होंने ये सरमन दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पहला सरमन इन्होंने 5 शिष्यों को दिया था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और किस अवस्था में दिया था वो भी आता है, उसका मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, मैं आपसे अभी पूछ लू,
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन से, गौतम बुद्ध से संबंधित तो बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, व्हाट इज द साइंस ऑफ फ्लावर प्रमोशन कोल्डनेस। देखिए फ्लावर के प्रमोशन के साइंस को हम क्या कहते हैं, फूलों के सुदृढ़ का जो विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है। ठीक, मतलब सिंपल मैं बोलू कि जहां पे हम एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में फूल उगाते हैं उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। ठीक है, जल्दी से बताएं। ठीक मैडम, मनोज सभी का कमेंट शो हो रहा है, बस आप शेयर करिए सारे के सारे, क्लास में रेगुलर 7 बजे आओ, 7 PM का फिक्स क्लास होता है डेली बेसिस पे, इस क्लास में रेगुलर। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फ्लोरिकल्चर ऑप्शन में दे रखा है, फ्लोरिकल्चर आंसर है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक। ठीक है, नमेशक। ठीक है, नमेशक ये जो किताब है इसके ऑथर कौन है, नया क्वेश्चन है, बताइए नमेशक जो किताब है इसके ऑथर कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। नमेशक ये जो किताब है इसके ऑथर कौन है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन, बताइए नमेशक ये जो किताब है इसके ऑथर कौन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। वैसे आप जब ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना कि ऑथर कौन है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत आसान होती है, बस पता होनी चाहिए एक बार। ठीक है, नमेशक जो है इसके जो ऑथर है वो है झुंपा लहिरी। ठीक है, दिमाग में झुंपा लहिरी है, बस नाम याद रखिए, बेसिक चीजें हैं पता होनी चाहिए। ठीक है, झुंपा लहिरी इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का कौन इसका, ठीक है, डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, बताइए डिजोल्व करने का कैपेसिटी किसके पास है, खत्म करने की, राज्यसभा को बिल्कुल जो है खत्म करने की कैपेसिटी किसके पास है। ठीक, कोई कर सकता है क्या राज्यसभा को खत्म, बेटा जिसका पीडीएफ रह रहा होगा मैं डाल दूंगा, वैसे तो मैं रेगुलर पीडीएफ डालता हूं सभी का। ठीक है, सभी का रेगुलर पीडीएफ डालता हूं, कमेंट बॉक्स में आज भी होगा। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो जी आंसर क्या देगा, राज्यसभा ना एक परमानेंट हाउस है, ये एक स्थायी सदन है। जब ये एक स्थायी सदन है तो इसको तो कोई नहीं डिसॉल्व कर सकता, इवन राष्ट्रपति भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। जो बच्चे अगर बता रखे कि कोई डिसॉल्व कर सकता है तो कोई नहीं डिसॉल्व कर सकता। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी इसे नहीं हटा सकते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जेट इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए जेट इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आंसर क्या होगा। देखो सरल सवाल है ये भी, ठीक है, आंसर देखो दिमाग में रखिएगा, जेट इंजन किस पे काम करेगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जेट इंजन किस पे काम करेगा। ठीक, अर्थ क्यूब कैन डिसॉल्व, अच्छा जी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जो है इसका कंजर्वेशन होता है, जेट इंजन जो है लीनियर मोमेंटम प्रोटेक्शन पे काम करता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एसिड गैस्ट्रिक जूस में कौन सा होता है, बेसिक साइंस। देखो मैं इस क्लास में आपको जीके साइंस करंट में जो मैं आपको ये सीरीज करा रहा हूं ना, ये रामबाण है, अगर आप 25 में से 25 स्कोर मारना चाहते हो इस क्लास को लगातार देख लो 20-30 दिन, ठीक है, 25 में से 25 स्कोर अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे, मैं अश्योरिटी देता हूं इस चीज की। ठीक, गैस्ट्रिक जूस जो है किसी भी एग्जाम के लिए, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है इसमें। ठीक है, HCl होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से ऑयल ऑफ विट्रोल कौन सा है, कोई बताएगा इसमें से कौन सा ऑयल ऑफ विट्रोल है, जल्दी से बताएगा ऑयल ऑफ विट्रोल कौन सा है, किंग ऑफ एसिड कौन सा है, किंग ऑफ एसिड कौन सा है, जल्दी से बताइएगा किंग ऑफ एसिड कौन सा है। ठीक है, HNO3 कौन सा है, HNO3 कौन सा है, ठीक है, बताइए ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछे आती है, ऑयल ऑफ विट्रोल पूछे या किंग ऑफ एसिड पूछे, तो आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, पढ़ेंगे और चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे लेकिन। ठीक है, अच्युत जो शंकर जो है इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, किस फील्ड से संबंधित, देखो ऑब्वियसली के क्वेश्चन ना आने लग गए, देखो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे व्यक्तियों का ध्यान हो रहा है, वैसे इनका उस इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली के क्वेश्चन आएंगे इस बारी पेपर में। ठीक है, याद रखिएगा इस बारी ऑब्वियसली के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, किसका ध्यान हुआ, अगर वो फेमस व्यक्ति है तो उसका पूछा जा सकता है। बताइए आंसर क्या, चलो सरल सवाल, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, टोडा ट्राइब कहां में रहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3-4 ट्राइब्स हैं उन पे क्वेश्चन आता है, मुंडा ट्राइब पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, भिल्स पे क्वेश्चन आ जाता है, भिल्स पे क्वेश्चन आता ही आता है, मुंडा ट्राइब भिल्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ऐसे टोडा ट्राइब किस राज्य का है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा, ठीक है, जनजातीय
जनसंख्या है, इस पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। ये सब सवाल सेंसस के होते हैं, सेंसस के सवाल में 2011 सेंसस कौन सा सेंसस, ये भी पूछा सकता है। मैं आपको स्पेसिफिकली सब कुछ कराने की कोशिश कराऊंगा इसी क्लास में। तमिलनाडु इसका आंसर है। रेगुलर 7 बजे आओगे वाईफाई स्टडी पे रात को, इवन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन चलेगी क्लास, ठीक है, रेगुलर होती है क्लास। ऑल द फॉलोइंग कॉमनली यूज मटेरियल द वन दैट इज नॉट एनालाइज, इसमें से कौन सा मिश्रित धातु नहीं है, ठीक है। हम इन सभी में जो यूज करते हैं उसमें से मिश्रित धातु कौन सा नहीं, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिश्रित धातु कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो स्टील है, ब्रास भी है, ब्रोंज भी है, कॉपर एक सिंपल एलिमेंट है यार, तांबा एक सिंपल जो है एलिमेंट है, तो उसे मालूम नहीं, मिश्रित धातु होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, कॉपर तो सिंगल है ना, आसान क्वेश्चन है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्पाइनल इंजरी को क्योर करने के लिए हम कौन सी थेरेपी यूज कर सकते हैं, स्पाइनल इंजरी जो होती है पीछे, ठीक है, उसको क्योर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी थेरेपी, कौन सा इलाज बेटर रहता है, बताइए। स्पाइनल इंजरी जो है ना, स्पाइनल इंजरी को क्योर करने के लिए हम इसमें से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहता है, जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान और मुश्किल का कोई फंडा ही नहीं है, पेपर में आने लायक होना चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी जो है स्पाइनल इंजरी को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। जेनोग्राफ्ट ये सब नहीं हो सकता भाई, जेनोग्राफ्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है वो ब्लड का, ठीक है, जीन थेरेपी अलग है, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये लाइव अमन रेफर कोड आप अनअकैडमी पे कहीं पे भी यूज करेंगे, आपको सारे ऑफर मिल जाएंगे, 10% डिस्काउंट भी प्लस कोर्सेज में मिल जाएगा, ठीक है। नवरित जो है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया, किस सेक्टर के लिए, जल्दी से देखो, अच्छे करंट अफेयर में से एक है, सारे करंट अफेयर का कवरेज कर लेंगे इस क्लास में। नवरित जो है रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन दिया गया, किस कोर्स के लिए, किस सेक्टर में, कौन से कोर्स के लिए ये जो है, ठीक है, दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से सेक्टर, कौन से क्षेत्र के लिए हो सकता है, बताइए कौन से क्षेत्र के लिए हो सकता है, आंसर क्या इस क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कौन से क्षेत्र के लिए हो सकता है नवरित, चलिए बेटा नवरित किसके लिए हो सकता है, बहुत ही सरल सवाल, ठीक, कंस्ट्रक्शन टेक्नो, देखो नवरित ना कहीं इमारत से संबंधित है, नींव से संबंधित है, ठीक है, नींव से संबंधित है, तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आर्किटेक्चर सेक्टर के लिए जो है ना सर्टिफिकेशन जो है दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नए नए क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले, ठीक है, ऐसे नए नए क्वेश्चन बहुत मिलने वाले। विच पार्ट ऑफ बॉडी सिलेक्टेड टू द पेसमेकर, इजी क्वेश्चन, पेसमेकर किसमें लगता है, ठीक है, आपने ये सब चीजें सुनी होगी ना, सेनोड क्या होता है, ठीक है, सेनोड किसमें लगता है, ठीक है, सेनोड किसमें होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर भी बनने लग गए हैं, ठीक है, ये किसमें होता है, पेस मेकर किसमें होगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा सेशन को जल्दी से, ठीक है, जल्दी से शेयर करिएगा सेशन को, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। चलिए आंसर क्या है बेटा, पेस मेकर हर्ट में होता है, ठीक है, दिमाग रखिए, पेस मेकर किसमें होता है, हर्ट में होता है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर क्या, बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है। देखो यार जो ब्रिक्स है ना, इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक ना चाइना में है, अब चाइना के हिसाब से तो ऑप्शन एक ही दे रखा है ना, अगर बीजिंग देता तो थोड़ा से बच्चे कंफ्यूज होते, अगर बीजिंग देता तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते, अब इधर तो बीजिंग दे ही नहीं रखा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग रखिएगा। आपसे पूछा गया आंसर क्या, शंघाई इसका आंसर है, शंघाई इसका आंसर है, वैसे एक चीज याद रखना, बीजिंग का अगर आपसे पूछता है तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ना, ये जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सारे बैंक के हेडक्वार्टर, इवन आपको जो हमारे इंडिया के कॉमन बैंक है, एसबीआई हो गया, ठीक है, इंडियन बैंक हो गया, इन सब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। देखो जो जो चीजें अब अपडेट हो रही है ना उस पर फोकस करो, आपको समय लगता है सिलेक्शन लेने में, तभी लगता है जब आप अपडेट पे ध्यान ही नहीं देते, ये सब चीजें बहुत आती हैं, ठीक है, इसका आंसर बीजिंग होगा और इसका आंसर शंघाई होगा, ठीक है, दिमाग पर रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, आंसर क्या इस क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं कर रहा है क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन आंसर, तारे टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या हो सकता है, बेसिक साइंस का एक कारण है, बताइए कौन सा इसमें से बेसिक रीजन है साइंस में कि भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, बताइए, तारे ना अर्थ से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, अगर ये अर्थ है ना
तो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर एक स्टार होगा, और इस डिस्टेंस की वजह से ना, इस दूरी की वजह से ना, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, वायुमंडल में अपरिवर्तन होता है, ठीक है, वायुमंडल में अपरिवर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें तारे इतने ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग से दिखाई देते हैं। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये नहीं है आंसर इस क्वेश्चन का, गलत टिक को रखा है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन इसका आंसर, ठीक है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन इसका आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे होता है, नागालैंड में, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इन फेस ऑफ पेंडेमिक इंश्योरेंस, बेटा क्लास आप रेगुलर लो, अगर आप किसी एक क्लास को भी चुन लोगे ना, मैं तो कहूंगा ये बेस्ट है 7 PM सेशन, ठीक है, मेरी मेरी तरफ से पूरा जहां पे भी मैं पढ़ाता हूं उसमें सबसे बेस्ट मैं ये क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन के हिसाब से आप एक क्लास भी चुन लोगे ना, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 25 में से 25 अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो, एक क्लास लेकिन रेगुलर रखो, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है एंश्योरिंग सेफ्टी एट हेल्थ एट वर्क, ठीक है, ये किसने दी रिपोर्ट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पे, ठीक है, जेनेवा में, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे, जेनेवा में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, मुंबई हाई ऑयल फील्ड कहां पे लोकेट है, जल्दी से बताइए, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, ये मुंबई, ठीक है, और मुंबई के इधर ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, ये ना इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स हैं, और इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में, इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में जो है ना, ये मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भारत के लिए, ठीक है, हमारे भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना अरेबियन सी के मुंबई के पास वहां पे, ठीक है, दिमाग पर रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, कौन सा संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक भाषा नहीं है, ऐसे आपसे चाइना का, चाइना है कि नहीं, चाइना की भाषा है कि नहीं, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन यहीं पे कवर कर लेंगे। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई, आंसर है इसका पुर्तगालियों की भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं, ठीक, आसान हो गया, अभी समझा था ये क्वेश्चन, रबड़ को स्टीफन, अब देखो क्वेश्चन वही है जो हमने एक बार सीख लिया, बस उसका पैटर्न अलग है, आपको ना एक बार ये क्वेश्चन सीखने के बाद उसके पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जैसे आप अदर सब्जेक्ट में करते हो ना, जीके में भी सही सिस्टम, इंफॉर्मेशन एक और उसके पैटर्न अनेक, ठीक है। रबड़ को पत्थर करने के लिए, स्टीफन मतलब सॉलिड बनाने के लिए, सिंथेटिक बनाने के लिए हम सल्फर ही यूज करते हैं, हम सल्फर यूज करते हैं, मैंने अभी आपको आइसोप्रीन का न्यूप्रीन से बताया ना, है ना, क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस पैटर्न अलग है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कौन से शहर में सिचुएटेड है, जल्दी से बताइएगा, शेयर करिएगा सेशन को, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है, आंसर क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, बच्चे इधर यहां पे गलती करते हैं, ठीक है, ये वो फिल्म जगत वाला ड्रामा नहीं है, ठीक है, ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये फिल्म जगत वाला नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं मुंबई में, ठीक है, और कोलकाता भी, चलो आंसर क्या है, नई दिल्ली इसका आंसर है। फर्स्ट वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, सस्ता सवाल, जुमको तैबे इसका आंसर, इजी क्वेश्चन, तो भाई इजी रहेगा, छोड़ भी सकते हो, आसान है क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में मत छोड़ना, लेकिन 10 बजे क्लास होगी, मैं 10 बजे क्लास कराऊंगा भाई, रेगुलर क्लासेस में कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे वो संडे हो या कोई सा भी दिन, रेगुलर चीजों में फिक्स रखोगे ना, अगर आपकी कंटिन्यूटी है ना किसी चीज में, वो आपको फायदा देगी, रैंडमनेस कभी फायदा नहीं देगी, बता रहा हूं। कैसिस ऑयल क्या है, बताइए, व्हाट इज कैसिस ऑयल, पता है किसी को, व्हाट इज कैसिस ऑयल, कैसिस ऑयल क्या है, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, देखो कैसिस ऑयल क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, अभी हमने एक पढ़ा ना कि ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, और इवन हम इसे कैसिस ऑयल भी कहते हैं, ठीक है, दिमाग पर रखिए, इवन हम इसे कैसिस ऑयल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें। अर्जुन अवार्ड, अभी हमने कल परसों में एक क्वेश्चन किया था कि इस साल हमें कितने अर्जुन अवार्ड मिले, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, आया था अभी क्वेश्चन, पढ़ाया था हमने परसों रेगुलर क्लास में, इसी क्लास में 7 बजे। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अर्जुन अवार्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया, अच्छे क्वेश्चन में से, अर्जुन अवार्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया, आंसर क्या है, 1961 में। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है राजीव गांधी खेल रत्न कौन से वर्ष में स्थापित किया गया, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया,
ये सवाल हमें पढ़ने पड़ेंगे। आप ये नहीं पूछते किसको मिला है, ये पूछ लेते हैं कि कौन से वर्ष में स्थापित किया गया। अरे इस क्वेश्चन आंसर देखिए, चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया ऐसा मानते हैं दुनिया, ठीक है हम भी मानते हैं। ठीक है, सवाल ये पूछा गया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइंटिस्ट की टीम भेजी है चाइना में इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए चाइना में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टीम भेजी है, तो ऑब्वियसली कौन भेजेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ठीक है ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इधर रेगुलर क्वेश्चन है सारे के सारे। फॉसिल ऑफ, ठीक है, ऑस्ट्राफिलेथिस जो है, लिटिल फुट जो है, डिस्कवर किए गए हैं कौन से देश में, करंट अफेयर बताइए कौन से देश में। दो तरीके के डायनासोर टाइप्स जो है डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है दिमाग को रखिएगा। ठीक है अब आंसर क्या है इस क्वेश्चन, कहां में डिस्कवर किए गए, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में डिस्कवर किया गया है। हमें अपडेट कर लेना चाहिए ये सब चीज ना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हाँ जी, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंसिपल पैट्रॉन कौन है, साका और कुशाना से। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन आंसर के, यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक देखो जब संविधान बना था ना, बहुत सारी समितियां बनाएगी और उन समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, जैसे एक बी आर अम्बेडकर वाली भी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी। अब बताइए यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे। ठीक है शेड्यूल कास्ट कमेटी भी बनाएगी, ठीक है और भी बहुत सारी कमेटी बनाएगी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, आंसर क्या हो बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ठीक है इसके भी हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, यूनियन पावर कमेटी के हेड भी जो थे बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है दिमाग पर रखिए, ज्यादातर यूनियन जहां पे वर्ड होता है ना वहां पे जवाहरलाल नेहरू आंसर होता है, लेकिन इस केस में नहीं है। ठीक इस केस में नहीं है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन, ठीक है टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम बिलोंग्स, मशरूम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है मशरूम क्या है, फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, ठीक है कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन, आई विजन डिसीज जो है किसकी वजह से होती है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि एक हमें आई डिफेक्ट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है बेटा मैं आपको ना सारे क्वेश्चन एक एक करके कराऊंगा, पूरी सीरीज है, कवर करोगे तब फायदा होगा। और एक घंटा रेगुलर क्लास 7 बजे होती है, कंटिन्यूटी बना लो, 20 दिन में अश्योरिटी देता हूं 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पेपर में इस चीज की अश्योरिटी। ठीक है आई विजन डिसीज कौन सी है, आई बोल शॉर्टनिंग, जो हमारा आई बोल होता है ना वो शॉर्ट हो जाए तो उस वजह से विजन डिफेक्ट होता है, मायोपिया। ठीक है हाइपरमेट्रोपी, आपने ये सब चीजें सुनी भी होंगी। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी बताइए, बड़ा आसान है। जैसे अगर मैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है अलग अलग लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है कह रहा है डोलड्रम जो है, ठीक है डोलड्रम जो है किस कैटेगरी में आएगा, बताइएगा डोलड्रम किस कैटेगरी में आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या होगा, शेयर करिए जल्दी से बताइएगा। ठीक आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा। ठीक है डोलड्रम किस कैटेगरी में आएगा, क्या ये इक्वेटर पे आएगा, यूनिफॉर्म हाई प्रेशर पे, हाई विंड वेलोसिटी, लो ह्यूमिडिटी, वैसे इधर तो बेसिक बस कैरेक्टर बता गया यहां पे सिर्फ। ठीक है नाम नहीं पूछा, कैरेक्टर बताया गया कि डोलड्रम जो है, जो डोलड्रम है यूनिफॉर्म लो प्रेशर होता है। ठीक है डोलड्रम जो है यूनिफॉर्म लो प्रेशर होता है। ठीक है एक क्वेश्चन और कराता हूं इस पे मैं, ठीक है एक क्वेश्चन अभी और कराता हूं, देखो पहले इस क्वेश्चन। हाँ जी क्विज यूनिवर्सिटी बैरोमीटर की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई, जल्दी से बताओ बैरोमीटर की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है अब इधर एक ना टोर्सली देखा हुआ है, ठीक है टोर्सली वर्ड लिखा हुआ है, टोर्सली आपने सुना होगा नाम, ठीक है बेटा बैरोमीटर से ठीक है संबंधित टोर्सली ही है। एक और क्वेश्चन देखिए, ज्यादा मतलब समय मत लगाओ क्वेश्चन को सोल्व करना, अगर मैं बात करूं ये अच्छा क्वेश्चन है, सागर मंथन जो है ना, ठीक है इसमें मर्केंटाइल मेरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर जो है लॉन्च किया गया, पूछा गया कौन सी सबमिट में, ठीक है कौन सी सबमिट में MMDAC जो है मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर लॉन्च किया गया, कौन सी सबमिट हाल फिलहाल में ऐसा कौन सा सबमिट हुआ जिसमें इस, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, सेंटर को लॉन्च किया गया। बड़े अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस क्वेश्चन आंसर के। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, आंसर है मैरीटाइम इंडियंस, ठीक है सबमिट है ये, हुआ था फिलहाल में, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
ठीक है, मैरीटाइम इंडिया सबमिट हुआ जिसमें सागर मंथन मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर लॉन्च किया गया। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा कंट्री टॉप किया, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा कंट्री टॉप किया है। ठीक है, कल से मैं यहां पे 100 का 120 कर दूंगा, जिससे कि हम इस सीरीज को 2000 की जगह 4000 बना सकें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक ही क्लास में कर पाए। ठीक है, एक ही क्लास में कर पाए, इसलिए मैं इसका 4000 करने वाला हूं। ठीक है, सिंगापुर इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 7 बजे रेगुलर क्लास होती है वाईफाई शेड्यूल, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। हाँ जी, करेंसी नोट कौन इशू करता है भारत में, मैंने कल क्वेश्चन पता किसका पूछा था, कल मैंने कॉइन्स का क्वेश्चन पूछा था कि कॉइन्स कौन इशू करता है। बड़ा आसान क्वेश्चन था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अभी अपन लोग करेंसी नोट्स का पूछ रहे हैं, तो करेंसी नोट भी आसान है, आरबीआई करेगा ऑप्शन के हिसाब से, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, नाइट विजन डिवाइसेस में क्या यूज करते हैं, चाहे वो नाइट विजन डिवाइड हो चाहे वो रिमोट कंट्रोल्स हो, ठीक है, इन सब में हम एक ही चीज यूज करते हैं, जल्दी से बताइए क्या यूज करते हैं, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, रेगुलरिटी रखो क्लास में, पूरा बराबर आया करो तब फायदा होगा। आंसर इंफ्रारेड वेव्स, चाहे वो हमारा रिमोट हो चाहे वो नाइट विजन डिवाइस हो, ठीक है, इन सभी में हम इंफ्रारेड रेस यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए भाई, जैसे क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ, बहुत ही आम चीज है। ठीक है, बताइए अगर हम एक डिपॉजिट करते हैं जो मान लो फिक्स पीरियड के लिए, यानी कि मान लो 7 साल के लिए, 7 साल आप इससे पहले निकाल नहीं सकते, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट कहते हैं या ड्यूरेशन डिपॉजिट कहते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, ठीक है, नेट एनटीटीएल जो आपने सुना होगा ना, ठीक है, उसमें जो टाइम डिपॉजिट होता है यही होता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट होता है यही होता है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या है, टाइम डिपॉजिट इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखिए, हर घर पानी हर घर सफाई, एक मैंने आपको एक स्कीम करा रखी है हर घर पानी, ठीक है, हर घर पानी स्कीम करा रखी है मैंने, कहां की कराई थी, हर घर पानी स्कीम जो मैंने आपको कराई थी पता नहीं 5-6 दिन पहले कराई होगी, ठीक है, गोवा की कराई थी, है ना, गोवा की कराई थी मैंने हर घर पानी। अब ये कह रहा है कि हर घर पानी भी और उस पानी से सफाई भी करो, ठीक है, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हर घर पानी हर घर सफाई जो स्कीम है किस स्टेट की स्कीम है, जल्दी चल दे। ठीक है जी, पंजाब की स्कीम है, ये पंजाब की स्कीम है, आसान क्वेश्चन है, और ये वाला भी गोवा का याद रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत नहीं हो चाहिए, जैसे पंजाब का शगुन पोर्टल है इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन लगवा देता हूँ। ठीक है, शगुन पोर्टल जो है ये भी पंजाब का है, ठीक है, शगुन पोर्टल, ठीक है, ये सब चीजें आ रही है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या, ओम है, आसान क्वेश्चन, चलिए आंसर क्या है, ओम इसका आंसर है, आसान क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, रजत रंगनी किसके द्वारा लिखी गई, पते जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, रजत रंगनी किसके द्वारा लिखी गई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो अगर आप क्वेश्चन फॉर्मेट से भी चीजें कर रहे हो ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है, अगर आप उसमें ठीक है एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, आपको चीजें याद करने में एफर्ट्स लगा रहे हो आप। रजत रंगनी कल्हाना कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखा गया, अगर आप ये नहीं जानते तो दिक्कत की बात है। अमित, रेगुलर 7 बजे क्लास है तो पीडीएफ इसका इसके कमेंट बॉक्स पे अश्योरिटी से डालूंगा, आई अश्योर यू, हर एक क्लास को ओपन करके देख लो, इस सीरीज की पीडीएफ कमेंट बॉक्स में होती है। ठीक है, पीडीएफ मैं डालता हूं, ठीक है, देख लेना। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कल्हाना इसका आंसर है, विच क्लासिफिकेशन एनाटॉमी इज एसोसिएटेड विद लॉबस्टर, अभी नहीं करा रहा इस क्वेश्चन को, बाद में कराऊंगा। ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, जो शैवाल होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, शैवाल किस कैटेगरी में आते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए आंसर क्या है, शैवाल किस कैटेगरी में आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए शैवाल किस कैटेगरी में आएंगे, शेर ग्रोयर सारे के सारे बताओ शैवाल किस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चलो जी शैवाल किस कैटेगरी में आएंगे, याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कवक नहीं होते, कवक नहीं होते, कुछ बच्चे तो इंसेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है कैटेगरी में आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदर कंटेन द काउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है, जादू टोना और मंत्र आपने सुना हुआ है ना, ये जो पूरा फंडा जो हम आज के समय भी यूज करते हैं सुनते हैं व्हाटसोएवर, ये कौन से ऋग्वेद का है बताइए। जैसे एक है ना कि कौन से ऋग्वेद में म्यूजिक के बारे में बता रखा है,
ऐसे पूछा था कौन से ऋग्वेद में तंत्र मंत्र जो है इसके बारे में बता रखा है, बताइए कौन से ऋग्वेद में बता रखा। अच्छा क्वेश्चन है, 100% वाला क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे। ठीक है बताइए आंसर क्या। मैं ना आपको एक 10 PM पे लूसेंट सीरीज करा रहा हूं, बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं कि सर कंसेप्ट का भी क्लास एक होना चाहिए, तो आप जो आप इधर पढ़ोगे उसके बाद एक लूसेंट सीरीज में स्टार्ट करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताने की भी कोशिश करूंगा। इसके क्वेश्चन अलग उसके क्वेश्चन अलग होंगे, दो क्लासेस जरूर देखो। 10 PM का मैं क्लास अभी लिंक लगाऊंगा, जरूर देखना। आज ही स्टार्ट कर देंगे आंसर का इस क्वेश्चन का, अथर्ववेद इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर छोड़ेंगे क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन आंसर। कॉपर इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए क्यों यूज होता है बताइए। ठीक है कह रहे कि कॉपर किस लिए यूज होता है। ठीक चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, कॉपर इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो कॉपर का अगर आपसे पूछता है, बड़ा सरल सवाल है, ठीक है मुश्किल नहीं है। ठीक है इट हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होने के कारण से, ठीक है लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, देखो जब रेजिस्टिविटी लो है तभी तो कॉपर को कंडक्शन के लिए यूज करते हैं, अगर रेजिस्टिविटी हाई होती है तो कंडक्शन के लिए थोड़ी यूज करते हैं, है ना। तो वही सवाल पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। ठीक है फ्लाइंग लिजर्ड बताइए, इसमें से कौन सा फ्लाइंग लिजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है फ्लाइंग लिजर्ड उड़ने वाली छिपकली को क्या कहते हैं बताइए, उड़ने वाली छिपकली को क्या कहते हैं, वैसे खतरनाक सही क्वेश्चन हो गया। बताइए क्या कहते हैं, ठीक है फ्लाइंग लिजर्ड को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बताइए देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आंसर क्या इसको डेको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं डेको कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी गुरु के पेपर कल स्टार्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी मैपिंग कंपनी ने जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है कोविन पोर्टल के लिए, मतलब इस कोविन पोर्टल को कौन सा मैपिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैंडल करने वाला, जल्दी से बताएंगे। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। कोविन पोर्टल जो है इसको कौन हैंडल करने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है चलो आंसर का इस क्वेश्चन का, मैप माई इंडिया, अच्छे क्वेश्चन में से एक मैप माई इंडिया इसका आंसर, महत्वपूर्ण सवाल है पूछा जा सकता है। ठीक है मैं अभी जो आपको एक लिंक लगा के दूंगा ना चैट बॉक्स पे, क्लास तभी एंड होगी जब सारे उस क्लास के लिंक को ओपन कर लेंगे, उस क्लास को नोटिफाई कर लेंगे, प्रोफाइल मेरा फॉलो कर लेना, बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। ठीक है लग रहा है लिंक, लेकिन अभी क्लास पूरी देखो उसके बाद ही करेंगे। ठीक है पहले क्लास पूरी देखो। आंसर क्या है, रेनबो बनने का कारण क्या होता है, इंद्रधनुष किस वजह से बनता है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, देखो यार जैसे ना मुश्किल क्यों है कि ऑप्शन खतरनाक है इसमें। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसका कारण क्या होगा, जल्दी से बताइए। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जल्दी से बताइए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेस इन द एटमोस्फेयर बाय वाटर ड्रॉपलेट, सिंपल सा है, कोई भी पानी की ड्रॉपलेट होती है उसमें क्या है जब रिफ्लेक्शन होता उसी से क्या है रेनबो बनता है और उसके बाद वो पूरा क्या घूमता है। ठीक है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ने की देर है, स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी बिल्कुल, हॉट वेदर के समय में जो फैन होता है, फैन या वट्स एवर, ठीक है एक फीलिंग कंफर्ट आता है, ठीक है हवा लगने पे, उसका कारण कि जो हमारा स्वेट होता है ना उसपे जब हवा लगेगी तो वो इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करने पे ठंड सी लगती है ना, हल्का सा ठंडा सा लगता है, तो दैट्स द रीजन आर परसिपरेशन इवेपोरेट रैपिडली, हमारा जो पसीना होता है वो तेजी से जो अवशोषित होता है जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। ठीक है सिंपल सी बात है। ठीक चलिए, ठीक चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है, ये ऑथर है अर्थशास्त्र के, ठीक है इनको किसके साथ कंपेयर किया जाता है, भारत के इतिहास की बात करूं तो इनको किनके साथ कंपेयर किया जाता है कि किसके समय काल में ये थे। ठीक है कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है उस्ताद कह लो एक तरीके से, ठीक
बेटा अभी मैंने एक 10 PM का सेशन लगाया, हर बच्चा उसे नोटिफाई कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण फ्री क्लास में आपको 10 PM पे आज कराऊंगा, ठीक है, रेगुलर कराऊंगा इस क्लासों में, ठीक है। मछली भी प्रिंसेस से प्रिंस जो है उसे, ठीक है, क्लियर किया। आंखों के दान में, आई डोनेशन में हम कौन से पार्ट को डोनेट कर सकते हैं? पूरी आंख नहीं डोनेट कर सकते हैं, बस एक पर्टिकुलर पार्ट ही डोनेट कर सकते हैं। बताइए कौन से पार्ट को डोनेट किया जा सकता है? बताइए आंसर क्या, इसको आसान है, आई डोनेशन में सिर्फ हम एक पर्टिकुलर पार्ट डोनेट कर सकते हैं। चलिए आंसर क्या बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक, कॉर्निया ऑप्शन में तो दे ही रखा है कॉर्निया, इसका आंसर कॉर्निया को डोनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 370 किस पे एप्लीकेबल था, किस स्टेट पे एप्लीकेबल था, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आर्टिकल 370 किस स्टेट पे एप्लीकेबल था, ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी है। चलिए आंसर है, बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सरल सवाल, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है, ठीक है। 5 अगस्त को याद रखिएगा, 5 अगस्त, हाँ बिल्कुल, 5 अगस्त को इसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, ये भी पूछा सकता है, ठीक है, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को ना यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर को और लेह लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, ठीक है, वो कौन सी तारीख, इसे तारीख पूछी जा सकती है, तो 5 अगस्त याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, बताइए कौन सा आयरन है जिसमें 72% चीफ आयरन और कहते हैं इसे, 72% आयरन है, लोहे का ये मुख्य अयस्क है, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 31 अक्टूबर नहीं है, 5 अक्टूबर, 5 अगस्त है उसका आंसर, ठीक है, दिमाग में, 5 अगस्त 2019 को, बच्चे गलत याद रखते हैं 31 अक्टूबर, वो गलत आंसर है, ठीक है, इसलिए मैं खुद जम्मू कश्मीर का हूं भाई, ठीक है, सही बताऊंगा, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है, मैग्नेटाइट इसका आंसर है, ठीक है, आंसर क्या, मैग्नेटाइट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, पहला एशियन गेम कौन से देश में हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, पहला एशियन गेम कौन से देश में हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें। आसान है क्वेश्चन, सरल सवाल है, लेकिन ऐसी चीजें बहुत आती है, जैसे अगर मैं बोलूं कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुआ, कनाडा, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है, एशियन गेम कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ, पहला एशियन गेम इंडिया में हुआ, पहला कॉमनवेल्थ गेम कहां पे हुआ बेटा, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, कनाडा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किसके संरक्षण पे है, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, जल्दी से बताइए, किसके कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, मैं हम इधर ये वर्ड थर्मो देखू ना, थर्मो मेरे लिए हीट है, ठीक है, हीट इज एनर्जी, सिंपल सी बात, हीट इज एनर्जी, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये इसका आंसर है, एनर्जी इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन, मिनिमम एज लिमिट विधान परिषद में आने के लिए मिनिमम एज लिमिट किया है, जल्दी से बताइएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने के लिए, विधान परिषद में आने के लिए क्या मिनिमम एज लिमिट है, जैसे राज्यसभा की एज लिमिट होती है ना, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 अगर बोला जाए तो राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोले या फिर विधान परिषद बोले, 35 बोले तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, 25 बोले तो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधानसभा, 21 बोले तो पंचायती राज, ठीक है, ये सब डेट है, हमें एक एक करके इजी है बहुत सवाल, ठीक है, नॉट अ बिग डील, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये 7 अवार्ड कौन से किसके संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है, 7 अवार्ड, थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया, 7 अवार्ड, ठीक, किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है, आंसर क्या है, देखो आपकी कंटिन्यूटी मैटर करेगी, मैं आपको इस क्लास में सबसे उम्दा कंटेंट दे दूंगा, आप रेगुलर पढ़ो ना इसमें, एक बार ही कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन, मैं ये मेरा डेली का क्वेश्चन है, ठीक है, सो डैट कि हम अपनी कंटिन्यूटी बना सके, कौन कौन बच्चा 7 PM पे कल भी वाईफाई स्टडी सर्च करेगा, ठीक है, 7 PM पे वाईफाई स्टडी खुद सर्च करना है, ठीक है, 7 PM पे वाईफाई स्टडी सर्च करके किस क्लास में कौन कौन आने वाला है, कल भी परसों भी तरसों भी, यस और नो कमेंट चाहिए भाई, एक बार ही चाहिए कमेंट, जरूरी है ये चीज, ठीक है, यस और नो का कमेंट चाहिए, कौन खुद सर्च करके पहुंच जाएगा, एमपीबीएंस के
संरक्षण पे 7 अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन आंसर। हां जी, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ओपियम, देखो यार ओपियम के ऊपर चाइना और ब्रिटेन की वार रही, चाइना और ब्रिटेन की वार नशे की बात होगी एक तरीके से ना। ठीक है, अब सवाल पूछा रहा है ओपियम प्लांट के कौन से पार्ट से मॉर्फिन मिलता है, जल्दी से बताइए ओपियम के कौन से। एक बार रेगुलरिटी बनाओ 20 दिन इस क्लास में, बहुत फायदा होगा। एक ही क्लास कहता हूं मैं कह ही नहीं रहा पूरे दिन में किसी और यूट्यूब क्लास में आओ, मेरी एक क्लास में आओ, तसल्ली से डेली आओ। ठीक है, चलिए आंसर के सुनिए, इसी में सब कुछ कवर करेंगे। फ्रूट कोट, जो फलों का छिलका होता है ना उसमें मोपियम होता है। ठीक है, ये जो मॉर्फिन जिसे हम कहते हैं यूज करते हैं मॉर्फिन को बहुत जगह में, है ना। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक है, चलिए बस इतना कर लेना, ये अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करना चाहते हो तो कर रहे हैं, इट इज डैम कंपल्सरी फॉर यू, क्योंकि ये मेरा बेस्ट कंटेंट है। आप अगर YouTube पे एक बार इंडियन पॉलिटिक्स सर्च करोगे ना, नाम भी मत लिखना मेरा, सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स सर्च करो, सबसे ऊपर यही YouTube क्लास आएगी, 6 घंटे का फुल मैराथन, पूरी थ्योरी है 6 घंटे। पॉलिटिक्स किसी ने कभी ना पढ़ी हो ना, एक बार इंडियन पॉलिटिक्स सर्च कर लेना, ये 6 घंटे वाला मैराथन देख लेना, पूरी पॉलिटिक्स आ जाएगी। आप दिन में 15 मिनट 20 मिनट डेली देखो, 20-30 दिन में खत्म है। ठीक है, पॉलिटिक्स पूरी कवर, इंडियन पॉलिटिक्स सर्च कर लेना, समय निकाल। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट और मास और चार्ज, किस एमिशन में, कौन से एमिशन में, ठीक है, कौन से एमिशन में जो हमारी रेडियोधर्मिक जो एलिमेंट है किसके एमिशन में कोई भी चेंज नहीं आता मास में, ठीक है, और चार्ज। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर क्या है कि भाई जो गामा है ना, ठीक है, वैसे भी गामा इज अ सेकेंडरी, ठीक है, वैसे भी गामा जो है ना सेकेंडरी एमिशन है। ठीक है, पहले अल्फा होता है फिर बीटा होता है और बच जाए तो गामा होता है। ठीक है, बच जाए तो गामा होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, गामा इज सेकेंडरी एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, दिमाग पर रखिए, इंपोर्टेंट है, गामा इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कह रहा है रेजोल्यूशन जो है काउंटर टेररिज्म पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा। भाई सिंपल सी बात है, टेररिज्म पे आरबीआई तो कुछ करेगा नहीं, सेबी तो कुछ करेगा नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो कुछ करेगा नहीं, है ना। टेररिज्म पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सकता है, टेररिज्म की बात हो रही है यार, है ना, सिंपल सा बंडा होगा। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, यूएनएस का आंसर। अभी मैंने आपको कहा कि भाई राज्यसभा डिसॉल्व क्यों नहीं हो सकता, कहा कि स्थायी सदन है। अब सवाल पूछ रहा काहे, मतलब क्यों है स्थायी सदन, ठीक है, व्हाट इज अ स्थायी सदन, व्हाट इज अ परमानेंट मेंबर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। अगर परमानेंट मेंबर होने का कारण क्या है इसका, ठीक है, पूछिए कुछ इसमें, ठीक है, द हाउस इज नेवर डिसॉल्व, ऑप्शन में यही दे रखा है, ठीक है, हाउस इज नेवर डिसॉल्व, सदन कभी भी भंग नहीं होता इसलिए परमानेंट हाउस है, बहुत ही बेकार तुच्छ सवाल। ठीक है, बताइए ये इंपोर्टेंट, मैंने आपको कहा था दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक मैंने एस्ट्रो वाला कराया, एक दूसरा ये है, ठीक है, टाइटानोसोर जो है इसका फोसिल जो है रिसेंटली कौन से देश में पाया गया, टाइटानोसोर का फोसिल रिसेंटली कौन से देश में पाया गया। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। सेशन को लाइक करिए सारे के सारे, ए टू जेड बच्चे शेयर करिए सारे के सारे, रेगुलर 7 PM पे रहिए तभी फायदा होगा, और 10 PM पे लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर 10 PM सेशन फ्री है पूरा, लिंक ओपन करना है, क्लास एंड होने से पहले लिंक ओपन करना है, क्योंकि क्लास बंद करते ही लिंक आया है उधर से। ठीक है, मैं आपको कभी इसे कमेंट बॉक्स पे नहीं देता, ठीक है, सीधा जो लाइव पढ़ रहा उसी को कहता हूं लाइव आके पढ़ो, सिंपल सी बात है, लाइव पढ़ने वाले को कह दो लाइव आके पढ़ना होगा। ठीक है, अर्जेंटीना इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, कौन सा इसमें सब्सटेंस है जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इसका फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो कितने कलर्स का मिक्सचर होता है, विबग्योर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, विबग्योर है ना 7 कलर, तो आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट।
कौन से कोल में कोयले में सबसे, ये अयस्क है सारे, है ना, ठीक है, पिटलिक बिटेंथ्रा कहते हैं इसे, ठीक है, पिटलिक बिटेंथ्रा याद रख लो। कोयले का कौन सा इसमें से है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, ठीक है, हम बाहर से खरीदते हैं, हमारे पास नहीं है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, एंथ्रासाइट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर पाया जाता है एंथ्रासाइट, पूरे भारत में एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन डज नॉट हैव एनी सिग्निफाइड कोल रिजर्व्स, कोयले की खदान किस राज्य में नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा क्वेश्चन, और याद रखना प्लस कोर्सेज अब लाइव हो रहे हैं, लाइव अमन रेफर कोड है मेरा, अन अकेडमी पे प्लस कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो, कुछ भी यूज करना चाहते हो, यूज दिस रेफर कोड, इससे आपको सब कुछ एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, अब कहेगा सर बिहार तो नहीं हो सकता, भाई नहीं, अमंग द फॉलोइंग स्टेट सिग्निफिकेंट कोल रिसोर्स कहां पे नहीं, इन सब जगह पे बहुत कोल रिसोर्स है भाई, ठीक है, बाकी जगह पे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, राइट ऑफ मैन इस किताब के ऑथर कौन है, जल्दी से बताइए, राइट ऑफ मैन के ऑथर कौन है, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ राइट ऑफ मैन, जल्दी से बताइए, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ मैन का थॉमस पेन जो है इसके ऑथर है, नया क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना, एक रेगुलर क्वेश्चन में से एक नहीं है, ठीक है, ओपेक का मेंबर कौन सा नहीं, जल्दी से बताइए, कौन सा ओपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है, मैंने आपको इस पे विस्की भी पढ़ा रखा है, ठीक है, विस्की, ठीक है, ओपेक के जो संस्थापक फाउंडिंग मेंबर है, जिन्होंने इसे बनाया था, फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, जिन्होंने इसे ओपेक को बनाया था, इस संस्था को बनाया था, उसकी ट्रिक है विस्की, ठीक है, ये भी पढ़ा रखा है, वैसे इसका आंसर देख लेंगे, फाउंडिंग मेंबर देख लो, वेनेजुएला, ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक, ठीक है, विस्की याद रखना, फाउंडिंग मेंबर के ऊपर इसका आंसर मलेशिया इसका भाग नहीं है, ठीक है, मलेशिया इसका भाग नहीं है, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, हां जी, कौन सा मिनिस्ट्री जो परमिट किया है टू क्लासिफाई एक्सपेंडिचर, कौन सी मिनिस्ट्री, इसने ये कहा है कि भाई जो कोविड 19 का कॉस्ट है ना उसको क्लासिफाई रखना चाहिए, क्लासिफाई एक्सपेंडिचर मेड ऑन कोविड 19 वैक्सीन अवेयरनेस, ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है कॉर्पोरेट अफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर इसका आंसर है, अच्छे क्वेश्चन में से एक पूछा जा सकता है, ठीक है, बताइए क्वेश्चन छोड़ेंगे हटाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक, कुछ भी नहीं है, बताइए हटाएंगे, सोल्व नहीं करना इस क्वेश्चन को, जर्मिनेशन के लिए हमें क्या नहीं चाहिए होता, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन, ठीक है, बताइए निश्चित जो क्या बोलते हैं अंकुरण होता है उसके लिए हमें क्या नहीं चाहिए होता, जल्दी से बताइए आंसर क्या, शेयर करो सेशन को, लाइक करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या, जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, दिमाग पर रखिए, लाइट नहीं चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो मैं सिंपल बता चुका हूं तेलंगाना के बारे में कि भाई तेलंगाना ऐसा राज्य जिसने लास्ट ईयर को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया, तो इसलिए नेस्कॉम ने ना इस बार इसी के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, याद रखिएगा नेस्कॉम के साथ तेलंगाना के साथ ही पार्टनरशिप हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, 7 बजे रेगुलर, ठीक है, मेरी तरफ से इकलौती क्लास यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी पे एक बार 7 बजे सर्च करके रेगुलर आना स्टार्ट कर दो, 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अश्योरिटी देता हूं, ठीक है। अब देखो यार, मैंने पढ़ा दिया आपको आज का जितना पढ़ाना था, अब आपके पास ना बस एक कोड है, इस कोड का यूज करो लाइव अमन, और नोटिफाई करना क्लास में आने के लिए, ठीक है, जिसने क्लास में नहीं आना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, जो बच्चा पढ़ना चाहता ना उसके लिए क्लास है, और वो भी फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मेरे ऊपर एक 10 PM का लिंक लिखा है, लिंक है, उसको ओपन करो क्लास एंड होने से पहले, क्योंकि क्लास बंद करते ही लिंक गायब हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, लिंक को ओपन करो, ठीक है, फ्री क्लास है, और इस रेफर कोड को यूज करके जल्दी से पहुंचो इस क्लास में, ठीक है, मतलब अभी नहीं, 10 बजे क्लास है, तो अभी लिंक ओपन करके नोटिफाई कर लो, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा,
मेरा प्रोफाइल भी होगा अन अकेडमी का, वो भी आप फॉलो कर लेना। अन अकेडमी पे क्लास होगी 10 PM पे, अभी जल्दी से पूछो सारे के सारे, ठीक। एक बार लिंक नोटिफाई कर लो, प्रोफाइल फॉलो कर लो, जिससे कि आपको 10 बजे नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। 10 बजे नोटिफिकेशन मिल पाए, आज मैं 10 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा, फ्री क्लास होगी, जल्दी से लिंक ओपन करो, ठीक। क्योंकि जब मैं ये सेशन एंड कर दूंगा ना तो वो लिंक हट जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से ओपन करो सारे से, आप बस एक बार अन अकेडमी पे आओ, रात को 10 बजे क्लास करेंगे अभी, है ना, फ्री क्लास करेंगे, बिल्कुल लूसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं आज, ठीक है, है ना। चलिए लूसेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, लिंक ओपन कर लो, अपना अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से रजिस्ट्रेशन करना जरा सा, और क्लास को नोटिफाई करना, रेफर कोड मांगता है कोई, अनलॉक करेंगे तो लाइव अमन रेफर कोड लगा देना, ठीक। और मेरे प्लस कोर्सेज लाइव है, मैं आपको प्लस कोर्सेज में 19 तारीख से सुबह 8 बजे से पढ़ाने वाला हूं। देखो कभी भी कोर्स एक टीचर का नहीं होता, जब पूरी टीम पढ़ाएगी तब आपका सिलेक्शन होगा, किसी भी एग्जाम में सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। आप जैसे SSC टारगेट कर रहे हो, पूरी टीम आपको पढ़ा रही है SSC में, ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर है जो आपको पढ़ाने वाले एक ही बैच में, और वो नया बैच 19 तारीख से लाइव होगा, ठीक है। आप 19 तारीख से पढ़ सकते हो, 10% डिस्काउंट लेने के लिए लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, अन अकेडमी के सारे ऑफर लेने के लिए भी रेफर कोड यही रहेगा लाइव अमन, इस पे आप एक्सेस कर सकते हो, मेरी फ्री क्लासेस का लिंक ओपन करने के लिए ये रेफर कोड रहेगा, ठीक है। चलिए तो जो 8 टेस्ट नहीं है बेटा कल से करेंगे टेस्ट, अभी सीधा 10 बजे वाली क्लास में आना आपको। SSC गोल सिलेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन क्लिक करिए, मंथ सिलेक्ट करिए, हैव अ रेफर कोड में लगाइए, लाइव अमन। चलिए सेशन को मैं एंड कर रहा हूं, अब मिलते हैं आप सभी से रात को 10 बजे, PDF मैं इसका कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा, 10 बजे मिलते हैं आपसे रात को, ठीक है। जितने बच्चे देख, जल्दी से लिंक ओपन कर लो, ऊपर जो चैट बॉक्स पे देखा 10 PM सेशन, क्योंकि मेरे एंड करते ही क्लास का वो लिंक हट जाएगा, ठीक है, जल्दी से ओपन करो, और प्लस कोर्सेस में भी जुड़ने के लिए लाइव ऑन रेफर कोड यूज करो, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से रात को 10 बजे, ये मेरा प्रोफाइल पूरा शेड्यूल है, ठीक है, जुड़े करो इस क्लास में रेगुलर, 7 बजे रेगुलर क्लास देखे करो। चलिए ओके बाय, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, PDF में कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। सफलता भाई आपके हाथ में है, सफलता कहाँ है का जवाब बस यही है कि सफलता आपके हाथ में है, ठीक है। कितनी जल्दी सफल होना चाहते हो ये भी आप ही के हाथ में, ठीक है, बस पेपर